जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैक ऑटो में। आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसी होती है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इस वीडियो में मैं ड्राइंग के कुछ सैंपल को भी दिखाऊंगा आपको और उसको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ड्राइंग को पढ़ने में और आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप ये देख रहे हैं, आपके सामने कि ये ड्राइंग ओपन होके आई है। तो आज जो लोग भी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर जो काम करना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं या जो फ्रेशर्स हैं, वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको ऐसी ड्राइंग मिलेगी। वेदर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या फिर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, तो आपको ऐसी ड्राइंग मिलेगी। प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को एज पर दिस ड्राइंग एंड टॉलरेंसेस, एज पर दिस डायमेंशन आपको इसकी प्रोडक्ट बनानी होगी। और क्वालिटी डिपार्टमेंट इसको चेक करेंगे कि एज पर डायमेंशन पार्ट ओके है और एनजी है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको देखनी कैसे है ड्राइंग। इस ड्राइंग में जो डायमेंशन है वो किसके रेफरेंस में दिया हुआ है, आप कैसे समझ रहे हो। क्योंकि अगर आपने कोई रेफरेंस गलत ले ली, वो डायमेंशन पूरा का पूरा गलत होगा। आपने चेक कर दी पार्ट ओके है, बट आपने चेक करा गलत रेफरेंस लेके, तो वो एनजी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ड्राइंग है, आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ब्लूनिंग किया हुआ है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो नंबर 1 में है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक फ्लैटनेस का सिंबल है और वो क्या है 0.002, और ये है डेटम 1। तो दोस्तों, ये कंपोनेंट है और इसका जो ये फेस है उसकी क्या बोल रहा है, ये फ्लैटनेस है इसके 0.002 माइक्रोन में है और वो डेटम ए है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आगे आपको ये सारे चीजें डिस्कस करने वाला हूँ कि डेटम क्या होती है दोस्तों, और ये जो बॉक्स है जिसमें टॉलरेंस दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अब देखो जो ब्लूनिंग नंबर 2 है, इसमें आपको परपेंडिकुलरिटी और वो डायमेट्रिकल, वो सिलेंड्रिकल 0.002, यहाँ पे एक और एम को उसने ब्रैकेट में लगाया है, और ये विथ रिफरेंस टू डेटम ए, इसको बोला गया ये डेटम बी है ये। ठीक है, तो ये जो मेरा ये जो सिलेंडर है ये क्या है, मेरा डेटम बी है। ठीक है, अब आपको इसको चेक करना है। तो ये जो परपेंडिकुलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेटम ए, इट मीन्स दैट ये जो आपका प्लेन है और ये जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर की जो लाइन है और जो प्लेन है वो बिल्कुल 90 डिग्री में होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें मैं आगे आपको टर्म, हर एक टर्म के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब आपने देखा जो बॉक्सेस हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वो होता है फीचर फ्रेम। ठीक है, तो फीचर फ्रेम क्या होती है, फीचर फ्रेम डिस्क्राइब द कंडीशन एंड टॉलरेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक कंट्रोल ऑन द पार्ट फीचर। ठीक है, तो फीचर आपको जो भी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है उस फीचर का, मतलब जैसे अभी आपने देखा है यहाँ पे सिलेंडर है ये, तो इसका जो भी टॉलरेंस है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा अपना क्या हो गया, एक फीचर फ्रेम में आ गया। अब दोस्तों, जो फीचर फ्रेम में बहुत सारे आपके और भी डायमेंशन थे, तो जैसे आपने ये देखा ये क्या है, पोजीशन टॉलरेंस। दोस्तों, ऐसे GD&T सिंबल्स के लिए मेरा एक सेपरेट वीडियोज है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो उसमें आपको सारे डायमेंशन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो आप वहां पे जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पे ये क्या है, जो फर्स्ट बॉक्स है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस सिंबल। ठीक है, अब दोस्तों जो सेकेंड है, मैंने एरो लगा के रखा हुआ, ये क्या है टॉलरेंस वैल्यू, उस पर्टिकुलर जो डायमेंशन है उसकी टॉलरेंस कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी,
डेटम्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। मैं डेटम्स का अभी जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डेटम्स क्या होते हैं, सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तो आपको अभी जस्ट एक क्लियर हो गया कि फीचर फ्रेम क्या होता है। वहाँ पे फीचर फ्रेम में जो भी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस होती है वो वहाँ पे उस पार्ट का उसमें डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है भाई डेटम क्या होती है। ठीक है, तो डेटम इज अ थ्योरेटिकली एग्जैक्ट प्लेन, ये प्लेन भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, जहाँ से हम डायमेंशन को मेजर करते हैं, मतलब एक रिफरेंस पॉइंट हो गया ये। ठीक है, वहीं से कंपोनेंट का हर एक डायमेंशन आपको उसी को रिफरेंस लेके मेजरमेंट करनी होती है। जैसे अभी ये जो मेरा एक ड्राइंग है, इसमें यहाँ पे आप देखो, इस सर्कल का मैंने पोजीशन है यहाँ पे डायमेट्रिकल टॉलरेंस दिया हुआ 0.1 में विथ रिफरेंस टू डेटम ए बी सी। ठीक है, तो ड्राइंग की फीचर फ्रेम को ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको पहले ढूंढना होगा कि डेटम ए कौन सा है। तो आप ये देखो, डेटम ए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो डेटम ए हो गया, अब डेटम बी ये फेस हो गया, ठीक है, डेटम सी ये फेस हो गया। तो आपको यहाँ से रिफरेंस लेके इसको आप मेजरमेंट करोगे। ठीक, अब डेटम आपको समझ में आ गया। अब आता है, आपने देखा था वहाँ पे पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन इज अ वर्सटाइल टॉलरेंस दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द लोकेशन कोएक्सिलिटी ओरिएंटेशन और एक्सिस ऑफसेट ऑफ अ पार्ट फीचर और एक्सिस। ठीक है, पोजीशन अगर किसी भी ड्राइंग में कहीं मेंशन है तो वो क्या क्या कंट्रोल करता है, मतलब पोजीशन अगर आपने कहीं भी लगा हुआ है किसी भी टॉलरेंस के आगे, तो वो आपको उस पर्टिकुलर उस फीचर का लोकेशन कोएक्सिलिटी ओरिएंटेशन एक्सिस ऑफसेट ये सब को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आपने उस ड्राइंग में देखा था, रन आउट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू के लिए आपको बताता हूं। आप यहां पे देखो ब्लूनिंग नंबर 6 यहां पे दिया हुआ है टोटल रन आउट 0.001 विथ रिस्पेक्ट टू डेटम ए और बी। ठीक है, आपने देखा डेटम ए ये मेरा फेस है और डेटम बी क्या है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, तो अब भाई ये रनआउट क्या होता है, तो रनआउट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर्कुलर रनआउट, दूसरा होता है टोटल रनआउट। ठीक है, सर्कुलर रनआउट मीन्स वन एरो होता है, टोटल रनआउट में दो एरो होता है। ठीक है, तो सर्कुलर रनआउट कंट्रोल अ पार्टिकुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो मेरा एग्जांपल है ये रनआउट सर्कुलर रनआउट का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट का अगर ये दिया हुआ है, ये जो मेरा एक शाफ्ट है यहाँ पे, इसने डेटम ए दे दिया और इसका दे दिया रनआउट इस फेस का 0.03 विथ रिस्पेक्ट टू डेटम ए। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप इसको चेक करोगे तो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आप चेक करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, आपने एक डायल लगा के अगर आप इसकी रनआउट चेक कर रहे हो तो एक पार्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो होता है सर्कुलर रनआउट। और जब टोटल रनआउट आपसे पूछेगा तो क्या होता है कि वो इंटायर सरफेस के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, सेम कंपोनेंट है, यहाँ पे डबल एरो मीन्स टोटल रनआउट, वही सेम टॉलरेंस है। तो यहाँ पे जब आप इसको चेक करोगे डायल इंडिकेटर या कुछ भी डायल लगा के, तो यहाँ पे आपको टोटल इंटायर सरफेस पे आपको मूव करना होगा। तो ये निकल के आएगा कि पूरे सरफेस पे कितनी वेरिएशन है, वो आपका होगा टोटल रनआउट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टर्न की, परपेंडिकुलरिटी। आपने देखा, मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, परपेंडिकुलरिटी इज अ टॉलरेंस दैट कंट्रोल परपेंडिकुलरिटी बिटवीन टू सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, टू सरफेस जो 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक मेरा प्लेन है
और ये एक मेरा सिलेंडर है, ठीक है, जो कि इसके 90 डिग्री पे है, ये एक्चुअल में 90 डिग्री पे नहीं है। तो अब यहाँ पे दे दिया डेटम, ठीक है, ये जो मेरा प्लेन है वो डेटम ए है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस सिलेंडर का परपेंडिकुलरिटी 0.2 में होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डेटम ए, ठीक है। तो अब जब आप इसको मेजर करोगे तो वो 0.2 से कम में है या ज्यादा में है, तो वो निकल के आएगा आपका परपेंडिकुलरिटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एंगुलरिटी, ठीक है। एंगुलरिटी क्या होती है दोस्तों, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एंगल और एंगुलरिटी में, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंगुलरिटी में क्या होता है, इन मैकेनिकल ड्रॉइंग ऑफ अ पार्ट एंगुलरिटी टॉलरेंस अलाउज अ डिजाइनर टू स्पेसिफाई द डिग्री टू व्हिच द ओरिएंटेशन ऑफ एन एंगल पार्ट फीचर में वेरी, ठीक है दोस्तों। अब ये कोई एक पार्ट हो गया, यहां से इसकी ये पार्ट हो गया, यहां से इसकी एंगल दे के 50 डिग्री, तो इसका एंगुलरिटी मीन्स ये जो आपका फेस है, ठीक है, वो 0.1 विथ रिस्पेक्ट टू डेटम ए, एंगुलरिटी ये होती है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।